हेलो फ्रेंड्स, पूरी में आपका फिर से स्वागत है। अब हम पहुँचे हैं पूरी की सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। यहाँ भी कोरोना वायरस का असर साफ तरह से देखा जा सकता है। सबसे पहले लोगों का आईडी प्रूफ चेक किया जा रहा है, उसके पश्चात सब लोग सैनिटरी मास्क बांटा जा रहा है। बिना मास्क किसी को जो है अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। सभी का चेकअप किया जा रहा है, कहीं वो विदेश से नहीं आए हैं। सबका आईडी प्रूफ जो है चेकिंग की जा रही है। देखिए जिस तरह से यहाँ भी अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती है, पूरी तरह से सुंदर सुंदर नजर आ रहा है। दर्शन के लिए जो है लोग धक्का मुक्की करके बड़ी मुश्किल से अपने जान को जोखिम में डाल के जो है अंदर जा रहे हैं। पुलिस लोग यहाँ पर बकायदा खड़े हुए हैं, उनको मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं अंदर जाने के लिए, फिर भी नहीं मान रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यही है वो मंदिर तो लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए। इस मंदिर के ऊपर में एक चक्र नजर आ रहा होगा दोस्तों, ये वही चक्र है जिसको किसी भी एंगल से देखने पर ऐसे ही नजर आता है, उसका कोना कहीं पर भी नजर नहीं आता। चारों तरफ से जो है कहीं पर भी चले जाने पर वैसे ही नजर आएगा जैसे ये अभी नजर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ की एक खास बात यह है कि इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा गुंबद होने के बावजूद भी इसकी छाया कहीं पर नहीं बनती है। दिन में इसकी जो है छाया कहीं पर भी नहीं बनती, ऐसा मानना है। तथा इसके ऊपर जो है किसी भी प्रकार की आपको जो है हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह नज़र नहीं आएगा, इसके ऊपर गुजरते हुए नज़र नहीं आएगा। ये देखिए पूरी तरह से खाली है, और इस तरह से लोगों की भीड़ की जो है खाली भी करा दी गई है। इस लोगों के द्वारा खुद मना किया जा रहा है कि अंदर जाना ही नहीं। जो सुबह जल्दी आ जाओ, जो जो फटाफट आ जाओ। ये देखिए ये वही जगह है जहाँ पर रथ यात्रा, रथ के समय में जो है रथ यात्रा की जाती है। यहाँ से दूर दूर से जो सैलानी आए हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। और होना